जय श्री राम गाइस। तो आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हमने शोरूम बनाना स्टार्ट किया था लेकिन हमने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा दूसरा पार्ट में कंप्लीट कर लूंगा। तो अभी मैं अपना घर में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर गाड़ी वाड़ी देखने जाए या डायरेक्ट शोरूम दिखाए आप लोग, चलो शोरूम के पास चलते हैं सबसे पहले। तो गाइज यहाँ पर वीडियो तो स्टार्ट हो चुका है और आज मैं स्टार्टिंग में बोलने वाला हूँ, तो जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको वीडियो कैसा लगता है आगे जाके वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो हम अपना शोरूम में पहुंच चुके हैं, हमारा शोरूम भाई हमने लगभग कंप्लीट कर लिया, लगभग के पूरा कंप्लीट कर ही लिया है। तो यहाँ पर ये देखो, ये है हमारा खतरनाक सा शोरूम जिसको भाई मैंने पूरा डेकोरेशन वगैरह कर दिया है ताकि देखने में अच्छा सा लुक आए, क्योंकि देखो शोरूम एक भत्ता टाइप का रखेंगे वो मजा नहीं आएगा, लोग वगैरह आएंगे देखने के लिए, सिर्फ गाड़ी वगैरह कोई सजावटी नहीं है तो भाई क्या ही मजा है। वैसे पीछे का वॉल उतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा भद्दा सा लुक दे रहा है, इसको मैं कलर वगैरह करवा पाता तो वो भी अलग सीन था, मजा आ जाता। तो यहाँ पर मैंने अंदर क्या करा है, अगर कोई कस्टमर वगैरह आता है तो यहाँ पर बैठ के बातचीत कर सकता है, चाय नाश्ता कर सकता है जब तक हम बाहर में रहेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सोफा वोफा लगा दिया है, और ऑफिस जो है हमारा ऑफिस मैंने इधर फालतू सा एक खुला जगह में नहीं रखा है, देखो सीधी सी बात है खुला जगह में ऑफिस रहेगा मजा नहीं आएगा। तो इसको मैंने अंदर की तरफ एक सेपरेट रूम बना के रख दिया, यहाँ पर हमारा पीसी देख ही सकते हो, उसके बगल में मैंने फ्लावर्स वगैरह रख दिया है, और यहाँ पर एक बोर्ड मैंने कार फॉर सेल का रख दिया, और ये दो सजावट के लिए। वैसे ये सजावट के लिए अच्छा तो लग नहीं रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा सामान वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिफ्ट रख दिया, इससे हम गाड़ी को ऊपर वगैरह ले जा सकते हैं नीचे आ सकते हैं। तो मैं ऊपर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, ऊपर में हमारा कुछ ऐसा सा सीन है, देखो ऊपर में कुछ भी नहीं करने वाला, कोई मॉडिफाई वगैरह नहीं, सिर्फ फ्लावर वगैरह रखने वाला, और एक दो सोफा लगा दूंगा, थोड़ा सजावट के लिए रख दूंगा, बस इतना ही सीन है। और ये लाइट कहाँ से आ रहा है, ये छेद कहाँ से हुआ, ये लाइट है क्या, ये लग रहा है ना भाई वो पहले जो हम लाइट लगाते थे घर में वैसा, भाई खतरनाक सा सीन लग रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं गाड़ी वगैरह पार्क करने वाला हूँ क्योंकि देखो ज्यादा स्पेस नीचे में अभी हमने कम स्पेस रखा है, ऊपर में कम स्पेस नहीं रखेंगे, ऊपर में ज्यादा ही स्पेस रहेगा। और ये लाइनिंग वगैरह जो है ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, इसको हटाया कैसे जाए, ठीक है। तो अभी नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर मैंने स्टेयर्स भी रखा है भाई, लिफ्ट से तो आ ही गया, स्टेयर्स भी चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेयर्स रख दिया और यहाँ पर मैंने फूल वगैरह रख दिया, देखो क्यों, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आया यहाँ पर आया तो वो गिर सकता है, अगर फूल नहीं हुआ तो फूल रहेगा तो वो नीचे नहीं गिरेगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत दिमाग यूज कर लिया है। तो चलो अभी लिफ्ट को नीचे बुला लेते हैं, आ जा रहे भैया नीचे आ जा, चलो आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या करा, ये मेरा पोर्स जो था इसको ही मैंने शो पीस के लिए रख दिया, आगे जाके मैं खरीदने वाला हूँ अच्छा गाड़ी वगैरह, आज ही का एपिसोड में खरीदने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास है 33 लाख, मतलब 3.3 मिलियन डॉलर है अभी हमारे पास। तो ये अंदर का लुक तो यहाँ पर कंप्लीट हो ही गया है, तो देख बाहर मैंने क्या करा, यहाँ पर दो हॉर्स मैंने रख दिया, तो मैंने इसको कुछ चेंज करने के लिए सोचा था, ये हॉर्स उस तरफ मुड़ा हुआ है, इसको मैं इस तरफ मुड़ाने वाला था, क्योंकि देखो ऐसा सीन है अगर कोई कस्टमर वगैरह आएगा दोनों तरफ से, जो दोनों हॉर्स एक दूसरे की तरफ देखेंगे वो अलग लेवल का सीन होने वाला है, लेकिन वैसा सीन होगा नहीं शायद से, तो इसलिए मैंने क्या करा, ये इसको ऐसे ही लगा दिया। और बाहर में जो है मेरा स्टाफ, ये देखो भाई इम्प्लॉय, ये बाहर में एनी टाइम खड़ा रहता है भाई, कब बैठेगा, अगर मैं ऑफिस में रहूंगा तो ये बैठेगा नहीं, मैं जब भी यहाँ से गुजरूंगा ये बैठेगा नहीं, इसीलिए मैंने क्या करा, इसके लिए बैठने के लिए जगह रख दिया, चाय नाश्ता करेगा भाई, मजे से रहेगा यहाँ पर। और उस साइड में भी मैंने सेम चीज करा, यहाँ पर कोई कस्टमर वगैरह बैठकर मतलब धूप, जिसको धूप लेना है वो यहाँ पर आके बैठ सकता है जादू की तरह। तो चलो यहाँ पर अभी हमारा शोरूम का पूरा लुक मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, और मैं थर्ड फ्लोर पे नहीं गया, थर्ड फ्लोर में अभी मैंने वैसा काम वाम नहीं किया है क्योंकि अभी जाने का कोई काम ही नहीं है, वैसे मैं सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड में जितना गाड़ी रख पाऊंगा ना उससे ज्यादा मैं गाड़ी खरीदूंगा ही नहीं भाई, सीधी सी बात समझ लो। तो अभी कोई ऑफिस वगैरह तो ओपन क्या ही करे, अभी कोई हमारे पास गाड़ी तो है ही नहीं, तो कार मार्केट प्लेस ऑप्शन वगैरह कुछ भी ओपन नहीं है, तो सबसे पहले हम चलते हैं नेबर में, नेबर में कोई गाड़ी वगैरह मस्टैंग वगैरह मिला तो मैं उठा लेने वाला हूँ, क्योंकि देखो ऐसा सीन है अगर अभी अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो बड़ा ही मस्टैंग से ही, मतलब सोचो भाई 30-40 हज़ार गाड़ी से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई मैं सीधा कम में ही खरीदूंगा, ये 30-40 हज़ार का गाड़ी खरीद के उसको अच्छे खासे प्राइस में बेच के कुछ ज्यादा पैसा कमाना है हमको। तो अभी हमारे पास तो बहुत ही ज्यादा पैसा हो ही गया, टेंशन की बात नहीं, पैसे का कमी ही नहीं है भाई, जो जो चीज चाहिए हम मजे से ले सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा मर्सिडीज का लुक नहीं दे, चलो आके इससे बात करते हैं। भाई साहब मर्सिडीज देखा, मैंने बोला था नर्सिडीज, मर्सिडीज खतरनाक गाड़ी है। ओके 67 मतलब 67,000 ऑफर कर रहा है, मैं इसको 50,000 ऑफर करता हूँ, देखो भाई
मैं ज्यादा डिस्काउंट नहीं करवाऊंगा, सीधा सीधा डील देने वाला हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 17,000 का डिस्काउंट है। ओके एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल भाई, इधर नॉट है, मैंने पढ़ा ही नहीं। चलो कोई नहीं भाई, 55,000 में डील लॉक किया दे। देखो भाई ज्यादा डिस्काउंट नहीं कराता हूँ मैं, इसलिए अच्छे खासे प्राइस में दे दो। तुम भी हमारे शोरूम आओगे, मैं तुमको अच्छे प्राइस में दे दूंगा। वैसे मैं बोल ही रहा था, तब तक मैं इसने गाड़ी दे दिया। चलो बढ़िया बात है, इसको मैं रिपेयरिंग में भेज देता हूँ, क्योंकि दिखने से ही लग रहा है गाड़ी कबाड़ा सा है, बहुत ज्यादा डैमेज है। ओके यहाँ पर ये मॉन्स्टर ट्रक खड़ा हुआ है, इसको तो मैं खरीदने नहीं वाला हूँ। ये खली कार है क्या? नहीं, खली है या नहीं है? अबे ये ऐसा घटिया गाड़ी वगैरह मुझको नहीं खरीदना है। और यहाँ पर एक बंदे ने एक्सीडेंट कर दिया भाई, दिखता नहीं है कि तेरे को? कुछ हुआ नहीं गाड़ी में, लेकिन ये कौन सी गाड़ी है भाई? ये स्कोडा जैसी लुक दे रही है, स्कोडा है क्या? कोडा? ओके, अरे भाई अब देखो मैं भी प्रो हो चुका हूँ गाड़ी वगैरह पहचानने में। तो ओके ये 36,000 ऑफर कर रहा है, तो मैं इसको 25,000 ऑफर करता हूँ। भाई देखो सीधा सीधा एक ही बार मजे से डिस्काउंट करा लेना चाहिए। लो ओके ठीक है, मजे से नहीं करवाना चाहिए, थोड़ा बढ़ा ही देना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इसको 27,000 ऑफर करता हूँ। 27,000 तो पूरा मान जाने वाला है। ओके अरे यार नहीं माना, बड़ा ही हरामी आदमी है। 36,000 तो बोल ही रहा था, चल 30,000 भाई, तेरे से मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना है, चल हटा दे दे गाड़ी को। ओके चलो, तो गाइज ये गाड़ी हमारी हो चुकी है। वैसे अभी तक मैंने स्कोडा नहीं खरीदा था, और गाइज एक प्रॉब्लम क्या हो गया बताए, मैंने अभी तक कोई भी बढ़िया गाड़ी नहीं खरीदा। मतलब बढ़िया गाड़ी तो लेम्बोर्गिनी वगैरह खरीद ही लिया है, लेकिन यार मर्सिडीज, वो मर्सिडीज नहीं, फरारी XX है एक, और निसान GTR, और एक डॉज वाइपर, क्या बोलते हैं उस गाड़ी का भाई, वो सब गाड़ी मैंने देखा ही नहीं है अभी तक। वो गाड़ी कहाँ खरीदे, कैसे खरीदे, मुझे कहीं पर भी नहीं दिखता, ना ही तो कार मार्केट, ना ही तो ऑक्शन, कहीं पर भी नहीं मिलता। ओके तो गाइज हमारा 2 दिन फालतू का चला गया, और आज मैं देख रहा हूँ भाई कार मार्केट प्लेस ओपन है, तो आज अभी चलते हैं फटाफट से कार मार्केट प्लेस, और वहां से मैं खरीदने वाला हूँ भाई सारा का सारा सुपर कार वगैरह। क्योंकि देखो अभी हमारे शोरूम में ऐसा कोई भी बढ़िया गाड़ी नहीं, एक पोर्स के अलावा, वैसे एक मस्टैंग, तो ये भाई कौन सी गाड़ी है, BMW है क्या? अरे लेम्बोर्गिनी। ओके 100 पीस के लिए लेम्बोर्गिनी रखना पड़ेगा इस बार, भाई बढ़िया गाड़ी दिख ही नहीं रहा है। वैसे ये मर्सिडीज है ना पुराना मॉडल का, पहले बहुत ही मूवी वगैरह में यूज होता था। बॉकरेगर भाई, बॉकरेगर गाड़ी तो सुना सुना लग रहा है भाई, ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, 40,000 इसको ऑफर करता हूँ। 57 बता रहा है, 47,000 कहाँ से, 50,000 इसको ऑफर करता हूँ भाई, इतना थोड़ी ना डिस्काउंट करेगा, एक ही बार में भाई पहुंच जाता हूँ आसमान में। चलो ये नहीं माना 50,000 में, एक काम करता हूँ, वैसे 58 में मान जाएगा मुझे लग रहा है, 58,000। चल भाई ज्यादा डिस्काउंट नहीं चाहिए मुझको। ओके थैंक यू सो मच, आप ये गाड़ी दे रहे हैं मुझको। एक काम करता हूँ, इसको मैं पार्किंग में भेज देता हूँ, क्योंकि अभी रिपेयरिंग का जगह जो फुल हो चुका है। तो यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी दिख रहा है मुझको, तो ओके लैम्बोर्गिनी को पूछ लेते हैं। वैसे 24% डैमेज ज्यादा कुछ नहीं है, 4,60,000, तो एक काम कर भाई तू 4 लाख में दे दे। ओके तो 4 लाख उसको ऑफर मारता हूँ, वैसे दे देगा, वैसे 4 लाख में कोई, ओके दे दिया, चलो मैंने बोला था ना यार दे देगा। तो उसको भी हम पार्किंग में भेजते, पार्किंग सेकेंड। अभी यार BMW मैंने एक बार भी नहीं खरीदा, तो एक बार मैं BMW का प्राइस पूछ लेता हूँ। वैसे पुराना मॉडल लग रहा है, लेकिन प्राइस कितना एक बार देखने दो, अगर सस्ता हो। ओ भाई 77,000 बता रहा है यार BMW कूप। चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं ऑफर, ओके 58,000 का देता हूँ भाई, मान गया तो भाई देखो डिस्काउंट कराने में ना महारत हासिल हो जाएगी। ओके नहीं माना, ओके तो इसको मैं ऑफर करता हूँ 62,000। देखो भाई डायरेक्ट मैंने 4,000 बढ़ा दिया, 58 ऑफर किया था स्टार्टिंग में ना। ओके ओ हो गया भाई, हो गया। चलो ये गाड़ी भी अपनी हो गई, तो इसको भी हम पटाख से पार्किंग में भेज, मतलब भेजते हैं। तीनों गाड़ी हमने खरीद ली, और आज कार मार्केट प्लेस में ऐसा कोई गाड़ी नहीं है जो मैं खरीद सकूं, तो अभी फटाफट से, नहीं खरीद सकूं ऐसा नहीं है, हैसियत नहीं है, ये बात नहीं भाई, पैसा तो अंधा है। तो अभी चलते हैं वहां पर, क्योंकि देखो ऐसा सीन हो गया, वहां पर जो हम गाड़ी खरीदेंगे वो बढ़िया नहीं होता, तो इसीलिए यही सीन मैं बोल रहा था, और कुछ नहीं भाई, ज्यादा बकवास हो गया यार, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। ओके तो अभी गाड़ी में बैठते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, इसको रिपेयरिंग में भेजते हैं। वैसे मैं कॉलर वगैरह नहीं करवाने वाला, क्योंकि देखो कॉलर करवाओ या ना करवाओ प्राइस उतना ही मिलने वाला, तो कॉलर करवाने में टाइम वेस्ट क्यों करे। वैसे इसमें लगा लगता है ड्रिप किट लगाए क्या? चलो भाई यहाँ पर रिपेयर हो रहा है, तब तक मैं एक काम करता हूँ, हमारा दोनों गाड़ी वगैरह जो, इसको मैं अंदर पार्क कर देता हूँ, ताकि हमारा इम्प्लॉय ये दोनों गाड़ी को वॉश कर ले। तो चलो ये है हमारा स्कोडा, स्कोडा ही है ना? ओके स्कोडा ही है। चलो नंबर प्लेट वगैरह मैंने चेंज नहीं करवाया, मैं एक बात सोच रहा हूँ भाई, हमारा चैनल में जो सबसे पहले कमेंट करेगा
उसका भाई कमेंट में पेस्ट करने, मतलब सॉरी उसका नाम में इस गाड़ी का नंबर प्लेट में लगाने वाला हूँ। तो भाई फटाक से तुम लोग कमेंट कर दो भाई, देरी मत करना। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, वैसे ये मर्सिडीज है तो इसको मैं यहाँ पर पार्क करता हूँ थोड़ा भाई बगल में। मर्सिडीज कार, अबे क्या हो गया, कहाँ घुस गया मैं। चलो यहाँ पर मर्सिडीज को पार्क करते हैं। ओके भाई गलत ही लुक दे रहा है यार, वैसे वो भिड़ेगा तो नहीं ना। एक सेकंड लेकिन तो वैसे नहीं भिड़ना चाहिए, नहीं भिड़ना चाहिए, नहीं भिड़ाओ, एक नंबर। ओके तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय आ चुका है गाड़ी वॉश करने के लिए, तो जल्दी लगे हाथ में स्कोडा का भी अंदर करते। तो वैसे स्कोडा भाई बहुत ही ज्यादा गंदा है, छी। चल इसको भी पार करते शोरूम के अंदर। साउंड तो मस्त है, साउंड तो भाई इस गाड़ी के, मतलब इस गेम में जितने भी गाड़ी है ना सभी गाड़ी का मस्त है। ओके इसको मैं यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है ना ये जगह, ज्यादा स्पेस क्यों रखे है ना, कस्टमर वगैरह आएंगे आगे ही रहेंगे। अरे भाई इतना पीछे मत जा यार। ओके एक सेकेंड हो गया। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक लाइन से गाड़ी रखू क्या, कोई आगे कोई पीछे ऐसा नहीं। वैसे वो आगे हो गया थोड़ा सा, चलो कोई ना। वैसे भाई इसमें क्रोम कलर करा हुआ था क्या भाई, मर्सिडीज तो अलग लेवल का लुक दे रही है, मजा आ गया। चलो वहां पर हमारा लेम्बोर्गिनी वगैरह भी रिपेयर हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ उसको भी पार्किंग में भेजता हूँ और इसको रिपेयरिंग में भेजता हूँ। वैसे ये गाड़ी मस्त लग रहा है, ओल्ड मॉडल कार है भाई, एक टाइम में फिल्म वगैरह में बहुत ही ज्यादा चलने वाला गाड़ी यही था। ओके पार्किंग में जा भाई तू भी, ओके तू भी जा पार्किंग में, और भाई साहब जी आप अंदर आइए और रिपेयर हो जाइए। वैसे डैमेज है या नहीं है इस गाड़ी में, चलो देखिए रिपेयर में लगा देते ना, होगा नहीं होगा टेंशन की बात ही नहीं है। चलो 120 रुपये का खर्चा लगा, वैसे रिपेयर तो तुरंत हो जाएगा 1 मिनट की, इसका एक ही प्रॉब्लम होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा एक ही होगा मुझे लग रहा है। 120 रुपये में कहीं रिपेयरिंग लिस्ट कुछ भी नहीं है, चूना लगा दिया रे भाई, क्या हो गया। चलो इम्प्लॉय भैया सबसे पहले आप वॉश कर दो, तो वॉश करने के बाद ही मैं कॉलर चेंज करवाने वाला हूँ। देखो भाई अभी हमारा इम्प्लॉय है ही तो थोड़ा आलसी बनना पड़ेगा मुझे। अरे भाई साहब वॉश करो यार। वैसे यार इसका पानी का प्रेशर देख के ना मुझे अजीब सा लग रहा है, कहाँ से इतना ज्यादा प्रेशर लेकर आते हैं वही समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो अभी हम अपना गाड़ी को कॉलर चेंज करवाने के लिए जाते हैं। जो उनसे व्हाइट कलर का था, इतना घटिया लग रहा है भाई व्हाइट कलर में, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओके तो गाइज हमारा गाड़ी का कॉलर यहाँ पर हो चुका है, जो कि देखने में भाई कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वैसे मुझे पता नहीं था मेटालिक लुक देने से ये इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वैसे बाहर निकाल के देखने दो, बाहर निकलने के बहुत भाई, क्या ये सोने का गाड़ी है क्या, सीरियसली भाई सोने का गाड़ी है ये, ऐसा गाड़ी चाहिए भाई 100 पीस के लिए, ऐसा गाड़ी चाहिए, वो खटारा सा गाड़ी नहीं। ओह माय गॉड, ये तो अपना शोरूम का भाई लुक ही चेंज करवाने वाला है भाई। चलो इतना में ठीक है ना, ओके डन। चलो इसका इंजन ऑफ करते, बाहर निकलते, अभी देखते भाई ये गाड़ी कैसा लग रहा है। सीरियसली बता रहा हूँ भाई, अभी तक मैंने जितना भी कॉलर करवाया ना सबसे खतरनाक कॉलर मुझे यही लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।